हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं रेखा शर्मा, लाइव विद रेखा शर्मा में रेखा शर्मा आप सब से नमस्कार करती है। होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छा वाला टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। देखिए फ्रेंड, कितना सुंदर लग रहा है। ये गार्डन में पॉट है, उसमें मैंने पानी डाला हुआ है और कछुए के बच्चे तैर रहे हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं एक बार दिवाली पे मार्केट गई थी तो मुझे ये बड़े अच्छे पसंद आए और चलते हैं कुछ नया सीखने। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ कि आप मैले कपड़े को कैसे साफ करके, बिन धोए साफ करके कैसे आप पहन सकते हैं। मैले कपड़े को साफ करके कैसे पहन सकते हैं बिन धोए। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो ना आजकल कितनी ठंड है, कितनी मौसम ख़राब हो रखा है। फ्रेंड्स, सारी जगह मौसम ख़राब है, नॉर्थ इंडिया में इतना गंदा मौसम हो रखा है। तो ऐसे में आप बिना धोए कपड़े कैसे साफ। फ्रेंड्स, तो पता है कितना गंदा मौसम हो रहा है और सर्दियों के कपड़े सूखते नहीं हैं, कैसे सुखाएं जब धूप ही नहीं है, धूप है ही नहीं और कपड़े इतने हो जाते हैं सर्दियों के, इतने मोटे मोटे कपड़े, क्या करें, परेशान हो जाते हैं सारे। तो ऐसे में एक ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आप सर्दियों में, ये ट्रिक सिर्फ सर्दियों के लिए है फ्रेंड्स, सिर्फ सर्दियों में यूज़ कीजिए। आपके सर्दियों में इतने मोटे मोटे कपड़े होते हैं तो आप उसके लिए यूज़ कीजिए कि कैसे हम सर्दियों में बिना उसके, बिना धोए कपड़े सुखाएं। जैसे फ्रेंड्स, आपको कहीं जाना पड़ जाए और देखो वो ड्रेस आपकी मैली है, मैं मोटे कपड़ों की बात कर रही हूँ, वो आपकी मैली है, तो आप ऐसे कैसे करें। सर्दियों के जो कपड़े होते हैं मोटे मोटे, तो उनको हम कैसे साफ़ करें वो मैं बता रही हूँ। और आपको अचानक जाना पड़ जाए तो ये आप कैसे साफ़ करें, कैसे अपनी इस ड्रेस को, जो देखिए ये ड्रेस है मेरी, इसको कैसे सही करें कि ये पहनने लायक हो जाए। और आप कहीं भी फंक्शन, कुछ भी अटेंड, बाहर जाना है आपने, कुछ करना है तो अटेंड हो जाए इसको पहन के वो चीज़। फ्रेंड्स बात मैं कर रही हूँ यहाँ मैं अपने श्रग की। तो श्रग को सबसे पहले आपने यूँ फैला लेना है, यानी आपने जो भी मोटी ड्रेस जो सर्दियों के लिए ऐसे फैला लेनी है। और आपने कटोरे में पानी ले लेना है और एक रुमाल, वो वाला थोड़ा मोटा हैंकी हो आपका, उससे लेकर उसको गीला करके उसको झाड़ना है, उसको अच्छी तरह उस पर पड़े दागों को हटाना है। कोई आटे का दाग है, कोई वैसे दाग, धूल मिट्टी है, कुछ भी है, उसको मोटे उससे रुमाल से अच्छी तरह साफ़ करना है आपने वो कपड़ा। गीले कपड़े से फ्रेंड्स अच्छी तरह आपने जो रुमाल लिया है, हैंकी लिया है मोटा सा, कोई भी मोटा कपड़ा ले सकते हैं, उसको अच्छी तरह पानी में बार बार भिगो के इसके ऊपर, ड्रेस के ऊपर जो आपने ड्रेस पहननी है उसके ऊपर अच्छी तरह सफाई करनी है, बिल्कुल गीली गीली सफाई करनी है फ्रेंड्स, अच्छी तरह कि आपके सारे दाग निकल जाएं, ऐसा ना हो। जो भी आपके वो हैं, गीला करके कपड़े को अच्छी तरह साफ़ करना है, बिल्कुल सही तरह अच्छी तरह हो जाए, उतनी देर तक आपने करते रहना है फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए, ये है लिंट रिमूवर। लिंट रिमूवर आपके पास होगा, देखिए फ्रेंड्स ये है लिंट रिमूवर। तो इस लिंट रिमूवर से आपने अपनी ड्रेस के जितने भी, इसके ऊपर चलाना है, इसके ऊपर चला के आपने देखना, देखेंगे सारा जो ऊपर जो भी गंद होता है वो सारा इसके अंदर आ जाता है, जो भी एक्स्ट्रा लिंट होते हैं, कुछ भी जो भी होता है। देखो सारी जगह से साफ़ करना है आपने, अच्छी तरह से साफ़ करना है पूरा, ऊपर नीचे सारी जगह से। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका इतना अच्छा साफ हो जाएगा, आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये वही चीज़ है जो अभी थोड़ी देर पहले इतनी मैली थी। तो फ्रेंड्स आपने यही करना है, अगर आप
लिंट रिमूवर से ऐसे पूरी सफाई से करेंगे तो आपका ये सब साफ हो जाएगा। फ्रेंड्स आप कह रहे होंगे कि लिंट रिमूवर तो मेरे पास है ही नहीं तो मैं क्या करूं? इसका दूसरा ऑप्शन यही है कि आपको गीले कपड़े से इतना अच्छा साफ कर लेना है, अपने हैंकी से अच्छे साफ कपड़े से उस अपने कपड़े को इतना अच्छी तरह साफ कर लेना है। बस इसका अगर आपके पास ये लिंट रिमूवर है फिर तो कोई सोने पे सुहागा हो जाएगा, अगर नहीं है तो बस यही है, जो मोटे कपड़े से आपको अच्छी तरह अपनी ड्रेस को साफ करना है और हाथों से दो चार जो लिंट हो उनको भी अच्छी तरह से हटा देना है, दाग वगैरह बिल्कुल साफ़ सुथरे हो जाएं, उससे करते रहना है जब तक वो अच्छी तरह साफ़ ना हो जाए। तो फ्रेंड्स लिंट रिमूवर हो तो बहुत अच्छा है, नहीं है तो यानी कि लिंट का काम आपने दोबारा अपने जो हैंकी है ना उससे करते जाना है करते जाना है। तो देखिएगा आपका साफ़ हो जाएगा बिना लिंट रिमूवर के, है तो भी नहीं है तो भी। फ्रेंड्स उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने एक प्रेस लेनी है, प्रेस को ऑन करके वो अच्छी तरह गर्म हो जाए कि भाई आपका कपड़ा ना जलाए पर इतनी हो जाए, तो आपने उस कपड़े को प्रेस करना है। फ्रेंड्स उस कपड़े को अच्छी तरह सारी जगह से प्रेस करना है और इससे आपके जो उस ड्रेस में या क्लोथ में जो भी जम्स हों वो मर जाएंगे। आप देखना अगर आप प्रेस कर लोगे इस कपड़े को तो एक तो ये जो गीला होगा थोड़ा बहुत वो सूख जाएगा और जम्स भी नहीं रहेंगे, और प्रेस से तो वैसे भी कपड़ा इतना चमक जाता है पता ही नहीं चलता कि आपने धुला हुआ कपड़ा डाला है या मैला डाला है। क्योंकि अगर आप ये ट्रिक अपनाएंगे ना फ्रेंड्स तो आप कहीं भी जाएंगे आपको फ्रेंड्स दूसरे ये पहचान ही नहीं पाएंगे कि आपने ये धुला कपड़ा डाला है या गंदा डाला है। तो ये ट्रिक अपनाइए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी ट्रिक है, मैंने अपनाई है और मैं जब मौसम ख़राब होता है तो करना है फ्रेंड्स, ऐसे नहीं करना। मौसम ख़राब के अनुसार आप कैसे अपना गंदा कपड़ा साफ़ करें। तो फ्रेंड्स देखिए मेरा ये श्रग, मैंने उसी तरीके से इसको साफ़ किया है जैसे मैंने आपको बताया है। तो फ्रेंड्स देखिए कितना चमक रहा है, और अगर इसमें आपको थोड़ी बहुत स्मेल आ रही हो तो आप इसमें सेंट छिड़क दीजिए, हो गया आपका काम। देखिए फ्रेंड्स जम्स भी मर गए प्रेस से और साफ़ भी हो गया जो हमने साफ़ करने का प्रोसेस किया था, तो सब कुछ हो गया। और देखिए फ्रेंड्स कहीं से आपको गंद लग रहा है इसके अंदर, कहीं लग रहा है कि ये बिना धुला है। देखिए फ्रेंड्स आप ऐसी ट्रिक अपनाएंगे ना तो इतना अच्छा हो जाएगा आपका जीवन, और सर्दियों में तो आप कहोगे वाह सर्दियों का मज़ा भी लो और कपड़े भी सूखे सुखाए। हाँ फ्रेंड्स फिर आप जब धूप निकले ना तो अपने कपड़ों को ज़रूर धोएं, और थोड़ा मौसम ख़राब होता है 8-10 दिन के लिए, उन दिनों बड़ा होता है कि हमें मोटे कपड़े चाहिए तो फिर वो धोए भी नहीं जाते, तो उन दिनों के लिए है ये आपको बता रही हूँ मैं ये ट्रिक। देखिए श्रग तो लग ही नहीं रहा कि ये धुला हुआ है या मैला है। देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है, मैं आपको कहती हूँ कि ऐसी ट्रिक अपना के आप बहुत अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए आप ये फ्रेंड्स आज जब मैंने मशीन लगाई तो मशीन में ये श्रग आया भी नहीं, और दूसरा मुझे चाहिए था क्योंकि ठंड इतनी है, इसके बगैर थोड़ा सा अनईजी फील होता है क्योंकि ये काफ़ी मोटा है और मेरे को ठंड से बचाता है। तो इसलिए फ्रेंड्स ये ट्रिक देखिए। फ्रेंड्स देखिए मैं यहाँ नहा धो के आ गई हूँ और मैंने ये पूरा अच्छी तरह साफ सूफ कर दिया है देखिए, और अब मैं इसको डाल लूँगी क्योंकि ठंड बहुत है फ्रेंड, दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड है
तो इसके बगैर गुजारा नहीं है। और ये गंदा बहुत हो गया था तो साफ करना बहुत जरूरी हो गया था। तो ये जो मेथड मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स, ये इतना यूजफुल है, देखिए आप करके देखिए फ्रेंड्स, प्लीज 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 करके देखिए, जरूर आपको फायदा होगा इसका। देखिए ये बिल्कुल साफ सुथरा हो गया है, ये कैमरे में इतना पता नहीं चल रहा पर असली में ये जरूर लगेगा फ्रेंड्स। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ मैं करती हूँ बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।